नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राजेश कुमार। आज हम आए हैं अपने हमारा ये केंद्र का डेमोन्स्ट्रेशन है, कृषि विज्ञान केंद्र झांसी का, और हम आज ककड़ी की बुआई कर रहे हैं। तो किसान भाई, हम बताना चाहेंगे कि जनवरी के महीने में किसान भाई एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही अर्ली हम सोइंग कर रहे हैं ककड़ी की, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि जैसे आप अर्ली सोइंग करोगे तो आपका मुनाफा भी अच्छा मिलता है। इसीलिए क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में ज़्यादा पाला सर्दी की प्रॉब्लम अब नहीं है। आज जो तारीख है 18 जनवरी है, तो अब इतनी ज़्यादा पाला की प्रॉब्लम हमें नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले किसान भाइयों में बताना चाहूँगा, हमने खेत को तैयार कर लेते हैं। पहले एक मिट्टी प्लट से तैयारी कर रहे हैं, एक जुताई, उसके बाद दो तीन कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद हम लाइन खींच लेते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ मीटर पे। लाइन बनाने के बाद हम इसी के अंदर ही गोबर की खाद डालते हैं, और खाद डालने के बाद हम सिंचाई कर देते हैं, और हमारा जो खेत है लगभग 4 से 5 दिन में आ जाता है। उसके बाद गुड़ाई करने के बाद, जैसे वो किसान गुड़ाई कर रहा है हमारा, गुड़ाई करने के बाद थोड़ा मिट्टी को हल्का कर लेते हैं, उसके बाद हम बुआई कर देते हैं। बुआई करने से पहले हम बीज की तैयारी करते हैं, और यदि मैं बीज की मात्रा की बात करूं तो प्रति एकड़ लगभग हमारा 500 से 600 ग्राम बीज लगता है ककड़ी का, और इसके लिए हम पहले ही बीज को जर्मिनेट कर देते हैं बुआई से पहले। इसके लिए आपने करना क्या है कि एक थोड़ा हल्के गर्म पानी में हम क्या करेंगे, 7 से 8 घंटे के लिए बीज को डुबो लेते हैं, और जैसे हम कोसा पानी बोलते हैं, हल्का गर्म होता है वो। उसके बाद हम पत्ता ले लेते हैं, जैसे हमारा पलास का पत्ता हुआ या छोले का जो पत्ता होता है, पत्ते में हम बीज को रखते हैं, और उसके बाद अच्छी तरह से टाइट करके बांध देते हैं और भूसे के अंदर 48 से 72 घंटे के लिए दबा देते हैं। हमारा बीज 72 घंटे में बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, ये हमारा 72 घंटे का बीज है और इसमें काफ़ी अच्छा अंकुर आया है। देखिए, अब इस बीज की हम बुआई कर देते हैं, और हमें ध्यान रखना है कि बीज का अंकुर ना टूटे। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस हमारा है 1 से 1.25 मीटर का है, और आधे मीटर पे हम बुआई करते हैं, और 1 से 2 दाना हम डालते हैं, 2 दाने डालेंगे कि कई बार क्या होता है, एक बीज ख़राब होगा तो दोबारा दूसरा बीज आपका रहेगा। अब बात करते हैं कि हमने खाद कितना डालना है। DAP की बात करें तो 50 किलोग्राम DAP प्रति एकड़ किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही यूरिया 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ यूज कर सकते हैं, और पोटास की जो मात्रा है 40 किलोग्राम पोटास किसान भाई प्रति एकड़ प्रयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और ये जो फसल है 120 से 135 दिन की होती है, और जो पहली हार्वेस्टिंग किसान भाई बुआई के 45 से 60 दिन के बाद पहली हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकता है, या तोड़ाई ककड़ी की स्टार्ट कर सकता है। जैसा कि हम जनवरी में बुआई कर रहे हैं, किसान भाई इस टाइम पे भी बुआई करते हैं अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मंडी के रेट बहुत अच्छे रहते हैं ककड़ी के, लगभग 15 से 20 रुपये किलो तक किसान को बहुत ही अच्छी इजीली मिल जाता है, बाद में 10 रुपये किलो तक किसान भाइयों को मिलता है। उत्पादन की बात करें तो लगभग 80 से 90 क्विंटल प्रति एकड़ किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं, और लगभग 1 लाख नेट रिटर्न 1 एकड़ से किसान भाई प्राप्त कर सकता है। और यदि इसमें रोगों की बात करें, 2 मुख्य रोग है इसमें हमारे क्षेत्र में, एक डाउनी मिल्ड्यू जो मार्च के महीने में आता है पहले हफ्ते में, और एक है पाउडरी मिल्ड्यू, और एक है आपके कुछ स्पोर्ट्स हैं, एंथ्रोक्नोज स्पोर्ट्स। डाउनी मिल्ड्यू को किसान भाई को करना क्या है, एक मेटल एग्जिल प्लस मैनकोजैप की एक कम्बिनेशन है, एक मिश्रण है मार्केट में, 2 ग्राम दवा प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना है। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप कार्बनडाइजिन ले सकते हो, 2 ग्राम की मात्रा सेम मात्रा रहेगी। और यदि और भी जो लीप स्पॉट्स हैं, बीमारी है जो ककड़ी में आती है, उसके लिए भी किसान भाई कार्बन डाइजिन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकता है। कीट की बात करें, सबसे जो हानिकारक कीट, 2 ही कीट हैं ज़्यादातर जो हानि पहुंचाते हैं। पहला है ममोला, जिसे बुंदेलखंड में ममोला बोलते हैं, वैसे रेड पम्पकिन बीटल उसका नाम है। उसके लिए किसान भाई येलो स्टिक की ट्रैप यूज कर सकते हैं। येलो स्टिक वैसे तो वाइट फ्लाई के लिए होता है, लेकिन एक्सीडेंटली जो ममोला है चिपकता है उसके ऊपर। और इंसेक्टिसाइड की बात करें तो प्रोपेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन का छिड़काव 0.1% के हिसाब से, मतलब 1 ml दवा 1 लीटर में छिड़काव कर सकता है किसान भाई। फल मक्खी के लिए फल मक्खी ट्रैप,
क्योंकि इसमें आपको पता ही है कि फल मक्के के लिए कोई भी दवा किसान भाई नहीं छिड़कता है, नहीं छिड़कना चाहिए, क्योंकि उसकी जो जो अंडा देती है फल मक्की अपना फ्रूट के अंदर या बेल के अंदर धसा के देती है, तो कोई भी कीटनाशक ज़्यादा अच्छा कारगर नहीं है। इसलिए फल मक्की ट्रैप हम प्रयोग करते हैं, 5 से 6 ट्रैप प्रति एकड़ हम प्रयोग करते हैं फल मक्की के लिए। तो ऐसे ही किसान भाई अपना अच्छा उत्पादन ले सकता है। धन्यवाद।